इन दिनों उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। यही हाल यूपी के वाराणसी शहर का भी है। यहां का तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा पहुंचा है। चिलचिलाती गर्मी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बढ़ते पारे के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं शहरवासियों को गर्मी से बचने के लिए गंगा का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चे जहां मौज मस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, वहीं बड़े भी यहां गर्मी से निजात पाने आ रहे हैं। इतने भीषण गर्मी पड़ रही है और धूप लग रही है। हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है वाटर पार्क जाने के लिए। स्विमिंग आती है सबको, काफी गर्मी पड़ रही है। हाँ, तैरना सीख भी रहे हैं और सब। आई थिंक 40 and 75 degrees पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप हो रहा है। शरीर की कैलोरी पसीने की वजह से थ्रू निकल जा रही है। इस वजह से हम लोग गंगा जी में आके मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब इस बच्चे को ही देख लीजिए, कैसे ये बच्चा एक पाइप पर चढ़कर नहा रहा है। जान जोखिम में डालकर ये बस गर्मी से बचने का प्रयास कर रहा है। स्थानीय पुजारी ने बताया, यहाँ आकर लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिल रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है, रह नहीं सकते हैं। एसी नहीं चल रही है, कूलर नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है। लोग इसीलिए गंगा में आते हैं, पानी में एक आध दो घंटा नहाते हैं। शाम को भी नहाते हैं, दिन में भी नहाते हैं, दोपहर को भी नहाते हैं, रात को 10-20 लोग नहाते हैं यहाँ पर। कितनी तापमान है इस समय? तापमान 45-46 डिग्री तापमान है। कितना बज रहा है अभी? 10:30 बज रहा है लगभग। और ऐसे 2-3 बजेगा हवा रुक जाएगी और गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। इस बढ़ती गर्मी से गंगा किनारे आने वाले लोगों की संख्या में जरूर बढ़ोतरी हो रही है। वाराणसी से न्यूज के लिए श्याम सुंदर की रिपोर्ट।